एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया गया है, ठीक है। तो आपके पास एक समांतर चतुर्भुज है। चलिए तो एक समांतर चतुर्भुज सबसे पहले बनाते हैं, ठीक है। ये आपका एक समांतर चतुर्भुज बन गया, जिसके शीर्ष दिए गए हैं। कितने शीर्ष दिए हैं? तो इसके दो ही शीर्ष आपके पास दिए गए हैं, ए और बी मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये ए है आपका -1.3, और ये बी का निर्देशांक है -2.4, ठीक है, -2.4, ठीक है। और कह रहा है कि यदि इनके विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु, यानी ये विकर्ण है, इनका प्रतिच्छेद बिंदु यानी एक दूसरे को जो काट रहे हैं, एक्स अक्ष पर धनात्मक दिशा में काट रहे हैं, एक्स अक्ष पर धनात्मक दिशा में काट रहे हैं, यानी कि यहाँ का निर्देशांक आप ले सकते हैं x,0, x,0। तो चलिए यहाँ पे इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। माना समांतर चतुर्भुज के अन्य दो शीर्ष कौन कौन से हैं? तो अन्य दो शीर्ष मान लेते हैं, सी का निर्देशांक मान लेते हैं, है ना। क्या मान लेंगे इसका सी का निर्देशांक? चलिए ए और बी मान लेते हैं, तथा डी का निर्देशांक मान लेते हैं सी और डी है, ठीक है। ये ए बी मान लिए और ये सी डी मान लिए, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें एक काम करते हैं हम लोग। इसमें आपको पता है कि यहाँ जो प्रतिच्छेद बिंदु ओ होगा, ओ ए सी तथा बी डी का मध्य बिंदु होगा ना, मध्य बिंदु होगा। आपको इतना तो पता है ना कि मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु होगा। तो आप यहाँ मध्य बिंदु सूत्र लगा सकते हैं ना। तो यहाँ से सी है ना, सी का निर्देशांक अगर हम मान, ये क्या है आपका ए और बी है ना, तो हो जाएगा आपका सी का निर्देशांक यहाँ है ए और बी, और इसका निर्देशांक है C,D। तो अगर हम ए सी विकर्ण पर देखें तो हो जाएगा -1+A/2, और हो जाएगा 3+B/2 = x,0, ठीक है। तो ये पहले वाले के बराबर नहीं लेंगे, सिर्फ दूसरे वाले को बराबर ले लेंगे। तो 3+B/2 = 0, ये जाके उधर गुणा कर देगा, यानी 3+B = हो जाएगा आपका 0, यानी b का मान कितना जाएगा आपका -3, ठीक है। उसी तरह जब दूसरे विकर्ण में देखेंगे BD में, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं इसको, क्या लिखेंगे कि -2+C/2, और हो जाएगा दूसरा क्या है आपका 4+D/2 = x,0, क्योंकि मध्य बिंदु है ना। चलिए 4 है आपका, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिएगा, सेकंड वाला के बराबर बटेगा, तो 4+D/2 = 0, यानी 4+D = आ जाएगा 0, यानी d का मान आ जाएगा -4। तो अब जो चतुर्भुज है आपका, इस तरह से यहाँ पे b और d का मान लिखा जा सकता है ना। तो चलिए इस b और d के मान को रख देते हैं। तो b की जगह यहाँ क्या आ गया, अब b की जगह आ गया -3, और d की जगह आ गया आपके पास -4। अब हम लोग c और d का निर्देशांक निकालने के लिए, अब आपको बता दें कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो होगा, ABC का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, और क्या होगा, तो आधा हो जाएगा समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपके पास कितना दिया है, 12 दिया है ना क्वेश्चन में, 12 वर्ग इकाई, तो 12 दिया है, इसको काट दीजिएगा तो आ जाएगा 6 वर्ग इकाई, दोनों का क्षेत्रफल होगा 6 वर्ग इकाई, ठीक है, क्लियर है ना। चलिए अब इसी के माध्यम से हम लोग अब ए और सी का निर्देशांक निकालेंगे। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपके पास आ गया क्या, 12, 6 आ गया ना, 6 वर्ग इकाई, ठीक है। चलिए तो अब आप यहाँ यूज कर सकते हैं 1/2 x1, है ना, इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, और इसको x3, और इसको y3, ठीक है। तो आ जाएगा 1/2 x1 का मान आपके पास -1 है, y2 - y3 यानी 4+3 हो जाएगा, +x2, तो x2 का मान है -2, y3 - y1 यानी -3 और -3 हो जाएगा, +x3, तो x3 का मान है a, y1 - y2 यानी 3
और माइनस फोर, ब्रैकेट बंद कर देते हैं, बराबर में छः। ये दो जाकर उधर गुना कर जाएगा ना, ठीक है। तो दो गुना कर जाएगा तो बारह हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा सात, तो माइनस का सात, यहाँ होगा माइनस का छः, छः दूना प्लस का बारह हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा माइनस का ए, बराबर हो जाएगा बारह। यहाँ कितना आ जाएगा आपका, तो आ जाएगा यहाँ से ये घटेगा ना, तो आ जाएगा पाँच, फाइव माइनस ए बराबर यहाँ से बारह, ठीक है। लेकिन आप ये जो मान ले रहे हैं, यहाँ दोनों प्लस माइनस में भी तो हो सकता है ना, दोनों लेना होगा, प्लस माइनस। अब पाँच को उधर ले जाते हैं, तो यानी ए माइनस ए बराबर हो जाएगा माइनस का पाँच प्लस माइनस बारह। चलिए अगले स्टेप में आप क्या करिएगा, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं माइनस ए बराबर माइनस का फाइव प्लस बारह, और माइनस ए बराबर माइनस का फाइव माइनस बारह, ठीक है। एक बार प्लस में करो माइनस में, यानी माइनस ए बराबर सात, यानी ए बराबर माइनस का सात, और यहाँ से माइनस ए बराबर माइनस सत्रह, माइनस माइनस कर दीजिए, ए बराबर सत्रह। इसमें धनात्मक मान को ही लेना होगा, ठीक है। ऐसे ही इसमें धनात्मक इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि इसके धनात्मक दिशा में स्थित है एक्स अक्ष पर, ठीक है। तो जब ये प्रतिच्छेद बिंदु धनात्मक दिशा में स्थित है, तो ये भी धनात्मक दिशा में ही आएगा, इसलिए इसका मान जो होगा प्लस में ही लेंगे, यानी कि यहाँ से आपका निकल गया किसका, सी का निर्देशांक। सी का निर्देशांक क्या आ गया आपका, तो एक आ गया सत्रह, ठीक है। और आपके पास मान आया था कितना, माइनस तीन, सत्रह कोमा माइनस तीन हो गया। उसी तरह आप डी का निकालना है। चलिए तो अब निकालते हैं हम लोग किसका, डी में जो सी बचा है उसका निकालते हैं। इसमें अब की बार एक्स टू वाई टू इसको छोड़कर हमें एक्स टू वाई टू इसको लेना होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला वही लगाएंगे, इसमें भी क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल दिया है आपके पास छः वर्ग इकाई ना, छः वर्ग इकाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आप, वन बाई टू एक्स वन माइनस वन वाई टू माइनस वाई थ्री, यानी माइनस फोर प्लस थ्री, प्लस एक्स टू, एक्स टू का मान है सी, वाई थ्री माइनस वाई वन यानी माइनस थ्री प्लस एक्स थ्री, तो एक्स थ्री का मान है आपके पास क्या, तो ए का मान जो आया है, तो ए का मान क्या आया है आपका, तो ए का मान यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ए का मान सत्रह, सत्रह आया है ना, चलिए सत्रह, ब्रैकेट में वाई वन माइनस वाई टू, वाई वन, और ये हो जाएगा प्लस फोर बराबर सिक्स, प्लस माइनस दोनों, यहाँ घटेगा माइनस का वन, तो ये प्लस वन हो जाएगा इनटू होगा, तो यहाँ देखिए माइनस का सिक्स सी, और यहाँ हो जाएगा सात, और सात में सत्रह से गुना करेंगे तो एक सौ उन्नीस है ना, बराबर ये दो जाके उसमें गुना किया ना, तो प्लस माइनस बारह, ठीक है। यहाँ हो जाएगा एक सौ उन्नीस में एक जोड़ देंगे तो माइनस सिक्स सी सिक्स बराबर प्लस एक सौ बीस बराबर प्लस माइनस बारह, ठीक है। तो ये एक सौ बीस को उधर भेजते हैं तो माइनस सिक्स सी सिक्स बराबर माइनस का एक सौ बीस प्लस माइनस बारह, अलग अलग करिए, माइनस सी सिक्स बराबर माइनस का एक सौ बीस प्लस का बारह, और माइनस सी सिक्स बराबर माइनस का एक सौ बीस और माइनस का बारह, तो ये जोड़ देते हैं यहाँ से, ये घटेगा ना, तो माइनस का कितना आ जाएगा, बारह घटेगा तो माइनस का एक सौ आठ, और यहाँ से माइनस सी सिक्स बराबर हो जाएगा कितना, माइनस का दो तीन एक, यहाँ ये काट दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा आपका कितना, एक सौ आठ बट्टा छः, और यहाँ से माइनस माइनस काट दीजिए तो सी का मान हो जाएगा एक सौ बत्तीस बट्टा छः, तो यहाँ से काट दीजिए, काटिएगा तो कितना जगह, छ कम छ और आठ छक अड़तालीस, यहाँ से काटिएगा तो छ दूना बारह और छ दूना बारह, तो एक सी का मान अठारह और एक का मान बाईस, तो यानी डी का निर्देशांक हो गया, सॉरी डी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो डी का निर्देशांक आ जाएगा क्या, एक हो जाएगा अठारह कोमा माइनस चार या बाईस कोमा माइनस चार, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन